हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, अथवा जो अभी अपनी एमबीए कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इग्नू की तरफ से अपना बीएड करना चाहते हैं या फिर एमबीए करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर इग्नू की तरफ से दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी लेटेस्ट एक अपडेट किया गया है, जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर एमबीए ओपन मैट एंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2019 इज़ लाइव। जी हां दोस्तों, अलर्ट्स के ऑप्शन में आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों ये लिंक अभी जस्ट इसे अपलोड किया गया है, आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने इसे रिलेटेड एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग जानकारियां दी गई है। मैं पहले आपको बीएड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, फिर उसके बाद में एमबीए के बारे में। दोस्तों बीएड की जानकारी के लिए आप जैसे ही बीएड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2019 के लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कॉर्नर में लेफ्ट साइड नीचे लिखा गया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट इज़ ओपन फ्रॉम 22nd अक्टूबर 2018 टू 15th नवंबर 2018 फॉर जनवरी 2019 सेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ ली होगी, अभी मैं इसे हटा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है आप उसे यहाँ पे क्लिक करके और पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद में आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, स्कैन फोटोग्राफ लेस देन 100 KB, स्कैन सिग्नेचर लेस देन 50 KB। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर फॉर्म फिलअप के लिए फॉर्म फिलिंग स्टेप्स को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वही जानकारी दी गई है जो मैंने पहले बताई आपको। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा, जैसा आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हैं, अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विद स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेकेंड पॉइंट में फिल पर्सनल डिटेल्स, प्रोग्राम डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नू की तरफ से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है। फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड बाकी जानकारी के लिए आप यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल का एक ऑप्शन है, आप जब इसे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम नेम, आपको बीएड सेलेक्ट करना होगा। बीएड सेलेक्ट करने के बाद में स्पेशलाइजेशन में भी आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी प्लस में फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड उसी के नीचे प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में पूरा जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एजुकेशनल टिप्स। दोस्तों बीएड के लिए यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसे भी मेंशन किया गया है, उसी के नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड में या फिर मास्टर्स डिग्री में। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी से किया है एंड इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन इन एनी साइंस और मैथमेटिक्स किया है उनके लिए 55%। दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां से इजीली पढ़ सकते हैं। इसके नीचे मैं बताना चाहूँगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दोनों ही दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों से ही अपनी बीएड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना हिंदी मीडियम रख सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम। ड्यूरेशन यहां पे मिनिमम 2 ईयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आप दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करते हैं तो वहां पे आपको 2 साल में कंप्लीट करना होता है, लेकिन आपको यहां पे मैक्सिमम 5 ईयर्स दिए जा रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर आप यहां पे देख सकते हैं, 50,000 रुपीज़ फॉर द इंटायर प्रोग्राम। दोस्तों पूरे दोनों सालों के लिए ही आपको यहां पे आपको 50,000 रुपीज़ पे करने होंगे। उसी के नीचे आप देख सकते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का एड्रेस दिया गया है, आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको ओपन मैट एमबीए एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों एमबीए ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2019 की जानकारी के लिए आपको यहाँ पे जो लिंक दिया गया है आप इसे क्लिक करके और आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने MBA ओपन मैट से रिलेटेड पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड क्लियरली देख सकते हैं, नीचे कॉर्नर में लिखा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर ओपन मैट फॉर जनवरी 2019 सेशन फॉर MP प्रोग्राम MBA। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज 15th नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों ये जानकारी आपने पढ़ ली है, मैं इसे हटा देता हूँ। इसी के नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसे क्लिक करके और जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो यहाँ पे 1000 रुपीज़ दिया गया है। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा गया है, एक बार आपने अगर फीस पेमेंट कर दिया है तो उसका रिफंड नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसी से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी BEd के जैसे ही आपको स्कैन फोटोग्राफ लेस देन 100 KB, स्कैन सिग्नेचर लेस देन 50 KB एंड पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे मैंने पहले BEd में बताया आपको, उसी तरीके से आपको पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप यहां से डायरेक्टली भी रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे संबंधित पूरी जानकारी के लिए यहां पे एक पॉइंट लिखा गया है, प्लीज़ डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जनवरी 2019 एंड रीड इट केयरफुली। आप चाहें तो यहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे रजिस्ट्रेशन स्टेप्स को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मैंने अभी बताया, आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी उसी से संबंधित पूरी जानकारी लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा इससे संबंधित फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से दिया गया है एंड कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोग्राम्स अवेलेबल को क्लिक करना होगा। आप जब प्रोग्राम्स अवेलेबल को क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ प्रोग्राम नेम का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आपको MP सेलेक्ट करना होगा। MP सेलेक्ट करने के बाद में स्पेशलाइजेशन, इसमें आपको MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने उससे संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स अपना MBA कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है। यहां पे अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स इसके अंडर ओपन मैट के थ्रू करवाए जाएंगे उन सभी की जानकारी लिखी गई है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसे ही PGD इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, PGD इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, PGD इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, PGD इन फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिसेस। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको पहले ओपन मैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे उनको फिर उनका रिजल्ट जैसे ही मिलेगा उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनी ग्रेजुएट इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप। दोस्तों, उसके लिए आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। दोस्तों, उसी के अलावा यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ ओपन मैट कंडक्टेड बाय इग्नू, आपको पहले इग्नू की तरफ से ही ओपन मैट क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा आपने वहाँ पे देखा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया गया था, यहाँ पे ओनली इंग्लिश मीडियम दिया गया है। फ्रेंड्स, ड्यूरेशन मिनिमम 2 ईयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स। फीस फॉर ईच कोर्स इज 1800 रुपीज़ 3000 फॉर MS 100। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे यहाँ पे सभी कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। ईच कोर्स के लिए आपको 1800 पे करना होगा एंड उसी में ही आपको MS 100 कोर्स कोड दिया गया है, उसके लिए आपको अलग से 3000 रुपीज़ पे करने होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोर्स कोड लिखे गए हैं, टाइटल ऑफ कोर्स, सेशन, कोर्स टाइप। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के कोर्स कोड उन्हीं के सामने मेंशन किए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, MS 100 जिसका अलग से ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसके लिए आपको 3000 रुपीज़ फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ्रेंड्स, ये थी ओपन मैट एग्ज़ाम से संबंधित पूरी जानकारी। इसी में आप नीचे देख सकते हैं अलग अलग क्लियरली जो ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बेसिकली बताया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे इग्नू की तरफ से अपना MBA या फिर
बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है। सो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको दोनों के लिए ही 15 नवंबर लास्ट डेट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। फ्रेंड्स ये थी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे अहेड।